कम्प्लीटली एंटरटेनिंग मूवी ओम शांति ओशाना। ये एक ऐसी मूवी है कि जब आपका एकदम चिल करने का जिस दिन मूड हो उस दिन ये मूवी देखना और आपका मूड और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस मूवी को मैंने हॉटस्टार पे देखा था विद इंग्लिश सबटाइटल्स और ये एक मलयालम मूवी है और 2 घंटे के आसपास का इसका ड्यूरेशन है। Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. Channel पे नए हो तो subscribe करना मत भूलना और bell icon भी दबा दो ताकि आपको notifications आते रहे। तो ये एक ऐसी movie है जो completely happy movie है, तो पूरी family साथ में मिलके बैठ के देखना आप enjoy करोगे। इसमें है नाजरिया नाजिम और निविन पॉली as पूजा and गिल। और नाजरिया नाजिम इतनी अच्छी थी, वो इतनी natural थी, ये पूरी movie में उनकी life को narrate किया है। मतलब since the day she was going to school till the time वो जब शादी करने की उम्र में आती है, उनकी पूरी life story बताई है मूवी में और वो हर एक जगह पे इतनी अच्छी थी, इतनी नेचुरल थी, उनको देखना बहुत मजा आया। निविन पॉली, अब इनका ज्यादा, इनको मोस्टली साइलेंट टाइप रहना था इस मूवी में, लेकिन उन्होंने साइलेंट रह के भी क्या जाम किया है। वो इतने चार्मिंग लगे हैं पूरे मूवी में, उनके एंट्री सीन से लेके लास्ट तक ही वाज अ टोटल चार्मर। मतलब उन्होंने डायलॉग्स भले ना बोले हो लेकिन जिस तरह से उन्होंने चार्म किया आजू बाजू सब जगह पे, दैट वाज रियली गुड। मतलब ही वाज रियली वेरी, वो दिखने में भी काफी हैंडसम लग रहे थे और ओवरऑल भी उन्होंने काफी अच्छा किया इस मूवी में। मूवी की एडिटिंग, जो फेज वाले ट्रांजिशन थे वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। बहुत सारे जगह सिम्बॉलिक ट्रांजिशन यूज किए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में गिरी की गर्लफ्रेंड उसको चीट करती है, तो गिरी उसकी डबल सीटर बाइक को सिंगल सीटर कर देता है और ऐसे कई सारे वाइन को लेकर भी कई सारे ऐसे ट्रांजिशन है और वो सब देखने को बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मूवी ओवरऑल काफी एंगेजिंग है, कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये सीन या ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी या इसके बदले कुछ और होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओवरऑल आप एकदम एंगेज्ड और हुक्ड रहते हो पूरी तरह से। मूवी को एकदम लाइट और फन रखने के लिए ना मूवी में ढेर सारे स्लोमोज डाले गए हैं, ड्रामेटिक एंगल्स, ड्रामेटिक म्यूजिक डाला गया है और वो बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज ये मूवी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने वाली मूवी नहीं है, एकदम हल्की फुल्की मूवी है और वो हल्का फुल्का और अच्छे से खुल के आता है। मूवी ना नरेटिव स्टाइल में चलती है, मतलब पूजा नरेटिंग हर लाइफ स्टोरी जब से उसका जन्म होता है तब से लेके प्रेजेंट टाइम तक, और वो देखना बहुत क्यूट स्वीट ट्रांजिशन देखना बहुत अच्छा लगता है। ये पूरे मूवी में ना हम पूजा से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, उसको उसके साथ काफी सारी लड़कियां रिलेट भी कर पाएंगी और ओवरऑल पूजा के कैरेक्टर को बहुत अच्छा खासा डेप्थ है, तो हमें पूजा के लिए फील होता है और हमें लगता है जो इतनी डीपली मैगी लव में होती है गिरी के, हमें भी लगता है यार काश इसको गिरी मिल जाए। सो ओवर द टाइम ऑफ द मूवी हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हो, ये जरूर प्रे करते हो कि इसको ये मिल जाए, निविन पॉली मिल जाए। सो दैट इज रियली गुड, हम कैरेक्टर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फील कर पाते हैं। फिर बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे भाई का कैरेक्टर बताया, फिर गिरी के मॉम के कैरेक्टर, फिर पूजा की फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और वो सब लोग ने भी काफी अच्छा काम किया है। सो ओवरऑल मूवी एज अ होल एक कंप्लीट पैकेज लगती है, फन, एंटरटेनिंग, स्वीट और क्यूट मूवी है। सो मेरे हिसाब से ओम शांति ओशाना एक बार तो सबको देखनी चाहिए, आपका मूड एकदम हल्का हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और आपके ये मूवी के बारे में क्या थॉट्स हैं जरूर नीचे लिख के बताना। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, बाय एंड टेक केयर।